गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रेनू आपकी हिंदी अध्यापिका। आज का सुविचार हमारा, धैर्य कड़वा होता है पर उसका फल मीठा होता है। सुविचार है हमारा कि धैर्य कड़वा होता है पर उसका फल मीठा होता है, कि हमें धैर्य रखना चाहिए। अगर हम धैर्य रखेंगे तो जो भी हम काम धैर्य से करेंगे उसका फल हमेशा मीठा ही होगा। आगे आज का श्लोक लिखते हैं। आज का श्लोक, उससे पहले आज का सुविचार। सुविचार है, धैर्य कड़वा होता है पर उसका फल मीठा होता है। धैर्य कड़वा होता है पर उसका फल मीठा होता है, यानी कि हमें धीरज रखना, धैर्य रखना मुश्किल होता है, लेकिन हम धैर्य रख के कोई काम करते हैं तो उसका फल मीठा होता है। अब लिखते हैं आज का श्लोक। हमने बेटा कल जो सदाचार पे जो श्लोक लिख रहे थे उसी को आगे लिखेंगे। सदाचारी कहलाता है, उसके आगे है, सदाचारी व्यक्ति जीवन में सुख और शांति का अनुभव तो करता ही है, सदाचारी व्यक्ति सदाचारी व्यक्ति अपने जीवन में अपने जीवन जय ई व न जीवन में मैं ए में सुख स उख सुख और शांति का से आने ते शांति के आका अनुभव एनु भय व अनुभव तो ते ओ तो करता के रहता करता है ही है, उससे औरों का भी भला करता है, उससे औरों के आका भला भई भी करता के रहता करता है। सदाचार से संबंधित कुछ विशिष्ट नियम है। सदाचार से संबंधित से पर मैं धै ई ते संबंधित कुछ विशेष या विशिष्ट कुछ विशेष नियम है। न ई ये में नियम है। ध्यान रखा जय आता जाता जाना रखा जाना चाहिए कि इनसे पूरे समाज से मैं आज समाज का के आका भला हो और किसी भी वर्ग को और किसी भी भई भी वर्ग व ऊपर रहे और वर्ग या व्यक्ति आधा व यह के की मात्रा
व्यक्ति की भावनाओं को चोट ना पहुंचे, व्यक्ति की भावनाओं को चोट न पहुंचे। तो आपको भी बेटा एक पे सुलेख लिखना है। थैंक यू।